हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज का इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे करके YouTube शॉर्ट्स को अपना PC में देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है दोस्तों, YouTube ने जो है YouTube शॉर्ट्स को लॉन्च कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ Android फ़ोन में दोस्तों आप लोग YouTube शॉर्ट्स को देख सकते हैं। YouTube ने ऑफिशियली कहीं पे भी अनाउंस नहीं किया है कि आप लोग YouTube शॉर्ट्स को अपना PC में देख सकते हो। अगर आप सभी लोग अभी जाके YouTube पे सर्च करोगे कि PC में हम सभी लोग कैसे करके YouTube शॉर्ट्स को देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पे एक भी जेन्युइन या फिर रियल वीडियो नहीं मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि आप लोग कैसे करके YouTube शॉर्ट्स देख सकते हो अपना PC में। और दोस्तों, ये वीडियो कोई बना भी नहीं सकता क्योंकि उसका कोई प्रोसेस ही नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं आप सभी लोगों को आज का इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप सभी लोग चाहो तो YouTube शॉर्ट्स को अपना PC में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम सब कोई भी इम्यूलेटर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली यूट्यूब के ऑफिशियल वेबसाइट पर से ही दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स को देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि ऑफिशियली आप सभी लोग कहीं पे भी नहीं लिखा है दोस्तों यूट्यूब के ब्लॉग वगैरह में, या फिर कहीं पे भी नहीं लिखा है दोस्तों कि आप सभी लोग कैसे करके यूट्यूब शॉर्ट्स को अपना PC में यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये एक जस्ट एक सिंपल ट्रिक है जिसका मदद से आप सभी लोग यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो को अपना PC में आप लोग चाहो तो उस प्रोसेस को यूज करके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वीडियो तो थोड़ा छोटा ही होगा दोस्तों, लेकिन आप सभी लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो ही आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आएगा। और मैं आप सभी लोग को एकदम ईजी और शॉर्टकट तरीका बताऊँगा जिसका मदद से आप सभी लोग बहुत ईजिली दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स को PC में देख सकते हो। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पीछे अभी आप सभी लोगों को एक एंड्रॉयड फ़ोन का अपना PC का स्क्रीन दिखाऊंगा, आप सभी लोग वहां से देख सकते हो। अब जैसे कि दोस्तों, हम लोग यूट्यूब का अभी हम लोग मेन होम पेज पर आ गए हैं। यहां पे दोस्तों हम सभी लोगों को सिंपल से चले जाना है सर्च पे, और सर्च पे जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को यहां पे लिखना है #, और लिखना है #SHORTS शॉर्ट्स लिख के दोस्तों पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप सभी लोगों को क्लोज कर देना है। इतना कीवर्ड लिखने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को जिस कैटेगरी का वीडियो देखने का मन है उस चीज़ का आप सभी लोग सर्च कर सकते हो। अगर आप सभी लोगों को रैंडमली वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप सभी लोगों को यही वीडियो में बताने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स लिख दिया, और मैं साथ ही साथ यहाँ पे अमित भड़ाना लिख देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से हम लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स में सिर्फ अमित भड़ाना का वीडियो ही देखने को मिलेगा। अब हम लोग जब इंटर करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन जब हम लोग दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों पीपल ऑल्सो वॉच्ड करके दोस्तों एक सेक्शन है जहाँ पे आप सभी लोगों को बड़ा छोटा सभी वीडियो देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो इसको हटाने के लिए दोस्तों सिंपल से हम लोगों को यहाँ पे आ जाना है फिल्टर पे, और फिल्टर पे आने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट वीडियो लेस देन 4 मिनट। इसको दोस्तों सिंपल से आप सभी लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। जब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो अब आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों जितना भी वीडियो हम लोगों को दिखा रहा है दोस्तों, ये सभी शॉर्ट वीडियो ही है दोस्तों। और जो फॉर यू वाला सेक्शन था, जो भी सेक्शन था दोस्तों, इधर से हट जाएगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम 99% रिजल्ट दोस्तों आप सभी लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स देखने को मिलेगा। कोई कोई दोस्तों हो सकता है 1% कोई एक ऐसा वीडियो हो जो कि आप सभी लोग को यहाँ पे शॉर्ट वीडियो ना हो, लेकिन दोस्तों 99% यहाँ पे रिजल्ट आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी शॉर्ट वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को शॉर्ट वीडियो ही देखने को मिलेगा दोस्तों, और दूसरा कोई वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों को शायद इधर दिखाएगा, लेकिन 99% शॉर्ट रिजल्ट दोस्तों इधर से आप सभी लोगों को यूट्यूब शॉर्ट से दिखाएगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आप सभी लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप सभी लोगों को वीडियो देखना है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को जो भी PC में ऐसा जो माउस होता है दोस्तों, माउस का दोस्तों जो बीच में ही बटन होता है दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो के पास ले जाकर वो बटन पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, तो जो वीडियो है वो न्यू टैब में दोस्तों ओपन हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आप सभी लोग को जो भी वीडियो देखना है तो आप सभी लोग न्यू टैब में आकर के देख सकते हो, और फिर चाहो तो इसको कट कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो गया दोस्तों, और मैं आप सभी लोग को इससे भी शॉर्टकट का बात करूँ दोस्तों, तो जो भी एक वीडियो आप सभी लोगों को पसंद है दोस्तों, पहले आप सभी लोग उस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। उस पर क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिए, या फिर आप सभी लोग को यहाँ पे एक मिनी प्लेयर दिख रहा है दोस्तों, आप सभी लोग चाहो तो यहाँ पे मिनी प्लेयर पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड में दोस्तों आप सभी लोग आई प्रेस कीजिए। जब आप सभी लोग आई प्रेस कर दोगे दोस्तों, तो फायरफॉक्स में शायद से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन गूगल क्रोम में दोस्तों ये वर्क करता है,
नहीं, इसमें भी वर्क कर गया दोस्तों। तो हम लोग जब आई पे क्लिक करेंगे दोस्तों वीडियो प्ले करने के बाद, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो वीडियो दोस्तों इधर आ चुका है छोटा स्क्रीन में। अब इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा दोस्तों, अब जो भी वीडियो हमको देखना, मान लीजिए हम लोग को ये वीडियो देखना है, तो हम लोग सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे और ये वीडियो इधर प्ले होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए मुझे ये वीडियो देखना है, मैं ये दाब दूंगा और ये फिर प्ले होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए मुझे इसे फुल स्क्रीन में देखना है, तो मैं फिर से आई प्रेस करूंगा तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, और फिर से मैं आई प्रेस करूंगा दोस्तों तो छोटा स्क्रीन में चला जाएगा। और दोस्तों यहां से आप सभी लोग को जो भी शॉर्ट वीडियो देखने का मन है दोस्तों, वो इधर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको दिखा देगा दोस्तों। अब मान लीजिए कि आप सभी लोगों को रैंडमली कोई शॉर्ट वीडियो देखना है, ना ही अमित भड़ाना का, ना ही किसी का, आप सभी लोगों को रैंडमली शॉर्ट वीडियो देखना है दोस्तों, तो इधर हम लोगों ने जो सर्च किया लास्ट में अमित भड़ाना, इसको हम लोग को सिंपली हटा देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोस्तों सिर्फ हम लोगों को हैशटैग शॉर्ट्स लिखना है। अब हम लोग जब इंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज आ रहा है दोस्तों। फिर से हम लोग को जाना है फिल्टर पे और यहाँ पे इस शॉर्ट को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। हमने यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर दिए दोस्तों। अब देख सकते हैं जितना भी वीडियो आ रहा है दोस्तों, सभी शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, और रैंडमली आ रहा है दोस्तों। कोई कार्टून का है, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का दोस्तों, इधर से वीडियो जो है दोस्तों इधर से आ रहा है, जो कि एकदम शॉर्ट वीडियो है। मैंने आपको बोला था दोस्तों 1% कोई रिजल्ट होगा जो कि शॉर्ट नहीं आएगा। ये देख सकते हैं एक वीडियो बाई मिस्टेकली 1.11 का आ चुका है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 99% रिजल्ट आप सभी लोगों को शॉर्ट वीडियो ही दोस्तों देखने को मिलेगा इधर से। तो यही प्रोसेस यूज करके दोस्तों आप लोग भी चाहो तो YouTube शॉर्ट्स को अपना PC में यूज कर सकते हो। ये एक दोस्तों एकदम शॉर्ट एंड बेस्ट ट्रिक था दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को YouTube शॉर्ट्स अपना PC में यूज करना है तो। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों को शायद से कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है आप सभी लोगों को PC में यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन चला जाए।